सब लोग यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली। सो आज बहुत ही एक्साइटिंग टूल को कवर करने जा रहे हैं एडिस्ट्रेशन के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पपेट रैप टूल। सो वेयर इज़ द पपेट रैप टूल? आप जब एडवांस में जाते हैं तो वहाँ पर पपेट रैप टूल के नाम से एक टूल है। फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर कैसे लेकर आएंगे देखिए मैं बता देती हूँ स्क्रीन पर। यहाँ पर आप वैरायटी ऑफ टूल पर जाएंगे और यहाँ से पहले बेसिक होंगे, बेसिक को आपने चेंज करना होगा यहाँ सेटिंग से जाके एडवांस में, ठीक है। तो आपके पास दैन फ्री हैंड फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आएगा और उसी के नीचे पपेट रैप टूल होगा। अब इसका पर्पस क्या है, काम किस लिए आता है? तो यहाँ पर मैं कुछ रैंडमली ड्रॉ करती हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ लाइक दैट। और यहाँ पर मैंने एक शेप ड्रॉ करी है और इस शेप को मैं कलर दे देती हूँ इस तरह का। मैंने कलर दे दिया शेप को। शेप को कलर देने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा वर्क करके दिखाती हूँ आपको कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पपेट रैप टूल। इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने उठाया है यहाँ से पपेट रैप टूल, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक प्रोस्पेक्टिव टूल उठा लिया। तो मैं उसको यहाँ से ग्रिड्स को उसकी बंद कर देती हूँ ताकि हम इजीली अपने काम को अंडरस्टैंड कर सकें। सो हाइड द ग्रिड। अच्छा जी, बिल्कुल इसके ऊपर देखेंगे फ्री ट्रांसफॉर्मर्स के नीचे पपेट रैप है। पपेट रैप क्या करता है देखिए, बाय डिफॉल्ट इसने आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं लेकिन आप खुद से लगाना चाहें पॉइंट्स तो आप खुद से लगा सकते हैं। पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री एंड पॉइंट फोर। मैंने कुछ पॉइंट्स लगा दिए आपके सामने पपेट रैप के ऊपर और मैं ये पॉइंट नहीं चाहती, ठीक है। इस पॉइंट को रख के मैंने ख़त्म किया, इधर रख के डिलीट का बटन प्रेस किया, यहाँ रख के डिलीट प्रेस किया, यहाँ रख के डिलीट, क्योंकि मैं ये बटन्स नहीं चाहती थी, ठीक है। तो मैं वापस अपने बटन पर आती हूँ, मैंने यहाँ से शेप जितना रोटेट करना है आई कैन ईजिली रोटेट इट, ये देखें। अच्छा, मैंने यहाँ किया शेप को, इस एरिया से थोड़ा सा हल्का सा टर्न मैंने यहाँ लिया शेप को और फिर मैं थोड़ा सा यहाँ दे देती हूँ और इसके ज़रिए मैं शेप को यहाँ ले जाती हूँ लाइक दैट, ठीक है जी। ये मैंने एक शेप बना दिया और इसी शेप के ऊपर रख के मैं थोड़ा सा इसमें एडेड पॉइंट दे रही हूँ और मैं इसको यहाँ से राउंडेड कर रही हूँ, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गई है। सो आगे चलते हैं। इसी तरीके से मैंने क्या किया, अगैन मैंने अगैन रेक्टेंगुलर टूल लिया एक, ठीक है जी, और अगैन उस रेक्टेंगुलर टूल को मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, थोड़ा सा इसको रिसाइज किया। ये काम करने के बाद अगैन मैं पपेट रैप पर आई। इसमें चार पॉइंट्स हैं, मैंने कहा था आप भी किसी भी पॉइंट पर रखें अदान डिलीट करें तो आप अपने पॉइंट खुद से बना सकते हैं। मैंने इसके पॉइंट्स ख़त्म किए, अब मैं अपने पॉइंट्स दे रही हूँ एक, ठीक है। इसी के साथ मैं दो और तीन, ये तीन पॉइंट्स मैंने दे दिए। अब मैं इसको मूव करती हूँ, मैंने कहा यहाँ से ये यूँ हो जाए, यहाँ से थोड़ा सा कर्व में चला जाए और यहाँ से हल्का सा लाइक दैट, ठीक है। ये काम करने के बाद आपका ये टूल कुछ ऐसे हो गया। अब ऐसे होने के बाद सिंपल मैं इसको यहाँ से फ्रंट से इसका राउंडेड करती हूँ लाइक दैट, ठीक है। इसी तरीके से दोबारा आते हैं और इसी शेप को मैं अरेंज ट्रांसफॉर्म करके सेंड टू बैक कर देती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगैन मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने अगैन एक और स्ट्रेट बार ली लाइक दैट एंड देन अगैन पपेट रैप। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बाय डिफॉल्ट अगैन सेलेक्ट करें डिलीट, सेलेक्ट करें डिलीट एंड सेलेक्ट करके डिलीट। अब मैं अपने पॉइंट्स दे रही हूँ एक दो, ठीक है।
और अब मैं इसको मूव कराती हूँ यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। हल्का सा एक पॉइंट यहाँ पर भी डाल देती हूँ लाइक दैट, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर है, इस पर रखा अगैन वही काम करेंगे, यहाँ रख के इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट किया एंड देन रोटेट कर दिया। अच्छा अभी दोनों इसको भी सेंड टू बैक अरेंज करके लाइक दैट, ठीक है। इसी के साथ एक और शेप ले लेते हैं, या इसी को ही कॉपी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आई थिंक पपेट रैप क्लियर हो गया है, ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट एंड कॉपी बना के मैंने इसकी एक शेप को यहाँ एडजस्ट किया। अब इन सबको सेलेक्ट कर लें, आप सेलेक्ट करके अब इन सबकी आउटलाइन को ख़त्म कर लें लाइक दैट, ठीक है। एक कैक्टस स्टाइल का आपने इसको बना दिया, अगर आप इसको भी रोटेट करना चाहें तो ऐसे करके लाइक दैट। अब मुझे इसके बीच में लाइंस देनी है, मैंने सिंपल पेंटूल उठाया, पेंटूल उठाने के बाद मैंने लाइंस को यहाँ तक स्ट्रेच किया, सॉरी, और स्ट्रेच करने के बाद मैं हल्का सा कर्विंग अंदर की साइड पे देना चाहती हूँ लाइक दैट। सो मैंने क्या किया, रिप्लेस किया उसका जो फिल था उसको मैंने वाइट कर दिया और इस स्ट्रोक को मैंने ख़त्म किया लाइक दैट, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसकी मल्टीपल लाइंस बना ली, हल्का सा कर्व देके, ठीक है। एंड अगेन यहाँ इसको ड्रॉप किया, आगे बढ़ते हैं, लाइन बाहर आ रही है थोड़ी सी, मैं इसको आई थिंक इसको मैं इतना कर्विंग नहीं लेती, मैं स्ट्रेट ले लेती हूँ इसको स्ट्रेट के लिए, सिंपल। अच्छा इसमें इस इतनी वो करने की नीड नहीं है क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो है वो ख़त्म कर देंगे इसकी लाइंस को। मुझे कर्व जो है वो अच्छी नहीं लग रही, मैं कर्व वाली निकाल रही हूँ, ठीक है। ओके क्योंकि शेप के हिसाब से वो खुद ही कर्व ले रही है, मुझे कर्व को बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आउटलाइन क्योंकि बाहर रखी है, रीज़न इज़ दैट हम ईज़िली जो है वो आउटलाइन को स्किप से मैं ख़त्म कर रही हूँ पेन की सिलेक्शन लाइक दैट, ठीक है। एंड देन अगेन आई जस्ट टेक अ जस्ट पेन टूल से मैं इसके नेक सिलेक्शन के एरिया को ख़त्म कर रही हूँ लाइक दैट। अगर यहाँ आ जाते हैं फिर यहाँ आ जाते हैं दैन फिर यहाँ आ जाते हैं लाइक दैट। अभी जो लाइंस हैं मैंने बहुत ट्यूटोरियल में बहुत क्लियरली बताया है कि हाउ टू डिलीट द लाइंस, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अभी तक। सिंपल मैं टूल लेके और शेप बिल्डर टूल लेके जस्ट मैं इनको ख़त्म कर देती हूँ बाय प्रेसिंग ऑल्टर की। लाइक दैट
कितनी आसानी से आपने कैक्टस को डिज़ाइन किया है यूजिंग अ दिस टूल। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैक्टस के अंदर अच्छा सा इफेक्ट डालना चाह रही थी, सो मैं उसको ऐड कराती हूँ। मैं यहाँ पर हॉल्टर से ख़त्म करके इसको एक लाइक दैट एक एरिया रन करा देती हूँ और इसी की कॉपीज़ बना के मैं इसी के साथ एडजस्ट करती हूँ। एंड फिल द कलर आउटलाइन में इसकी बंद कर रही हूँ लाइक दैट और मैं इसको कंट्रोल जी फॉर ग्रब करके छोटी सी पोजीशन में यहाँ देना चाह रही हूँ। हल्का सा रोटेट कर देते हैं। देखिए पपेट रैप टूल कितना ज़बरदस्त टूल है आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्लैरिटी। सो यूज़ करें चीज़ों को, दे आर द वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को वक्त दें अपना और तो ही आप इन चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। दे आर द वेरी इजीएस्ट थिंग। सो बहुत कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। देखें कितने ईजीली तरीके से इनको डिज़ाइन कर रही हूँ। थोड़ी सी रोटेशन इसकी एडजस्ट कर देते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा पपेट रैप टूल व्हाट इज़ द पर्पस टू यूज़। मैंने बहुत क्लियरली बता दिया। इसी तरीके से मैं इसका साइज़ भी छोटा करना चाहूँ एंड इफ आई वांट टू मेक सम कॉपीज़ बाय प्रेसिंग ऑल्टर की चेंज द रिफ्लेक्शन और द रोटेशन। ओके, देखें कितने ईजीएस्ट तरीके से पपेट रैप से आप डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये ना आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं और एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। I know you told your friend.